करनाल में सीएम नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में हुए शामिल, वितरित किए हैप्पी स्कीम नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। कार्ड के जरिए हरियाणा रोडवेज में फ्री यात्रा होगी। सीएम सैनी ने लोगों को बांटे मोबिलिटी कार्ड। 1 लाख तक की सालाना आय वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा। 1 साल में 1,000 किलोमीटर फ्री यात्रा कर सकेंगे। अनुराग राणा का बड़ा बयान, कहा हरियाणा में कांग्रेस और आपका गठबंधन टूटा, अपने बूथों से भी नहीं जुटा पाए कांग्रेसी। तो भाई उनके खिलाफ तो रिजेंटमेंट था, उनके खिलाफ बहुत जबरदस्त लोगों के अंदर आक्रोश था। यहाँ मंत्री जिनको हटाया गया कलायत में, इनके खिलाफ जबरदस्त आक्रोश था। मेरा सवाल यही है कि इस पूरे इलाके में दो दो मंत्रियों के हटने के बाद, इतनी एंटी वेव होने के बाद भी अपने अनुराग राणा का बयान, आपका आरोप है कि साजिश के तहत हमें कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से चुनाव हराया गया, अब हम हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर अलग चुनाव लड़ेंगे। लगा और वो निश्चित तौर पे उस सीआईएसएफ के जवान ने ये बताया भी कि वो बेहद आहत थी। उनकी माँ जब किसान आंदोलन में धरने पे बैठी हुई थी तो पानीपत जिला परिषद की बैठक तीसरी बार टली, नहीं हो सका जिला परिषद चेयरपर्सन का चुनाव, बीजेपी समर्थित चेयरपर्सन हट चुकी, अब कांग्रेस लगा रही जोर। ने 24 तारीख को ये शॉर्ट नोटिस का जवाब दिया, 30 तारीख को नोटिस का जवाब दिया और 4 तारीख को ये पूरा वहाँ पे ये अपना जवाब दिया गया कि हम 7 तारीख को चुनाव करवाने जा रहे हैं। इतने सख्त आदेश ये थे। डीसी की बीमारी की वजह से टली बैठक, टल गया जिला परिषद चेयरपर्सन का चुनाव, कांग्रेस लगा रही पूरा जोर। पूर्ण रूप से राजनीति है, सीधी सीधी राजनीति है और कहीं कहीं कोशिशें की टाल आ जाए। मुझे लगता था कहीं न कहीं इनकी 10-1 सीटें आने वाले विधानसभा में 4 महीने बाद आ जाएंगी, लेकिन जिस प्रकार से बार बार ये लोगों की आवाज को, लोगों की इच्छाओं को दबा रहे हैं, उसे सीधा सीधा क्लियर है कि ये जहां 2 पर 4 पर हरियाणा में आकर। अम्बाला में यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, नालों की सफाई पर नगर निगम और सरकार को घेरा, नारियल फोड़, खुद नालों की सफाई, कांग्रेस नेता हेमंत सिंह भी हुए शामिल। होगा कि नाले इतने भरे पड़े हैं, आज मॉनसून सिर के ऊपर आ गया हरियाणा के। पिछली बार अम्बाला में इतना बुरा हाल हुआ बाढ़ की वजह से, फिर भी इस बार भी इन्होंने कोई नाले की सफाई नहीं करी, कोई ड्रेनेज का सिस्टम नहीं देख रहे, कैसी लाभ। युवा कांग्रेस नेता हरमन सिंह ने कहा, बीजेपी अम्बाला हार के गम में डूबी है और अम्बाला को बाढ़ में डुबाना चाहती है, लेकिन हम जनता की चिंता करते हैं, हमें सरकार को जगाने के लिए खुद ही नालों की सफाई का जिम्मा उठाना पड़ा। ये जो युवा है, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक संदेश दिया है कि सरकार तो कुम करनी है हमारी, उन्होंने तो कुछ करना नहीं है। आपने लास्ट समय भी देखा होगा कि हमारा सेक्टर 9 बिल्कुल पानी में डूब गया था। और अभी नालों की सफाई को लेकर बोली जनता, कहा सरकार का रवैया ठीक नहीं, बारिश ज्यादा हुई तो अम्बाला को काफी नुकसान होगा, पार्षद लापता है और विधायक असीम गोयल कागजों में सर्वश्रेष्ठ है, काम में इनका कोई ध्यान नहीं। देवनगर में इतना बुरा हाल है, हाल तो वैसे पूरे शहर का ही बुरा है लेकिन स्पेशली बलदेव नगर, क्योंकि बलदेव नगर कैंप है, रिफ्यूजियों ने बसाया हुआ एक नगर है हमारा, वहाँ आप देखें इस नाले की निकासी के कारण इतना बुरा हाल होता है, इतना बुरा हाल होता है कि हम आपको बता भी नहीं। सत्यवान नरवाल का बयान आया सामने, किसानों की अनदेखी के कारण बीजेपी ने गवाया सोनीपत और हिसार, अजय मिश्रा टेनी को भी किसानों ने हराया। से हम लगातार यहाँ बैठे हैं, 4.5 महीने हो गए हैं यहाँ किसानों को बैठे, अभी तक हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं किया गया है। हम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मिल चुके हैं, वो भी आश्वासन दे चुके हैं, जो फिलहाल के मुख्यमंत्री हैं सैनी साहब उनसे भी मिल चुके हैं, वो भी आश्वासन दे चुके हैं, आश्वासन के सिवाय आज तक हमारे को कुछ भी नहीं मिला है। और हमें प्रधान को थप्पड़ मारने पर बोले सत्यवान, कहा कुलविंदर कौर के साथ खड़े हैं किसान, हम कुलविंदर कौर को सम्मानित भी करेंगे। लिए बैठे हैं जो रिलायंस बीमा कंपनी है, बीमा कंपनी ने किसानों के साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया, जब फसल खराब होगी 6 महीने के बाद ये पता लग गया कि फलां गांव में फसल खराब होगी, वहां 6 महीने के बाद जब क्लेम देना चाहिए था, क्लेम पास हो गया था किसानों का, वहां बीमा ही कैंसिल कर दिया और उनका अब को थप्पड़ मारने वाली महिला कर्मचारी के बचाव में आया संयुक्त किसान मोर्चा, किसान नेताओं ने दी चेतावनी, कहा सीआईएसएफ की महिला कर्मचारी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए।